अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोलॉजी स्टूडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं वर्डप्रेस की सिक्योरिटी के हवाले से मज़ीद जो है आपको डिस्कस करूँगा और इसके बारे में बताऊँगा कि वर्डप्रेस के अंदर और मज़ीद हम कैसे इसको सिक्योर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास जो है एक वेबसाइट है, लाइव हुई हुई है, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ और उसके बारे में आपको बताता हूँ कि वेबसाइट के अंदर जब मुझे अगर मैं डब्ल्यू पी कॉन्टेंट लिखता हूँ और स्लैश अपलोड्स लिखता हूँ, सबसे पहले हम डब्ल्यू पी कॉन्टेंट लिखते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू पी कॉन्टेंट लिखेंगे तो ये नहीं ओपन नहीं होगा। उसके बाद अगर हम अपलोड्स लिखेंगे तो अपलोड्स के अंदर जो है ये ओपन हो जाएगा। तो ये जो है एक जो है इनसिक्योर है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से कोई भी चीज़ हमारी डाउनलोड हो सकती है, कोई भी हमारा जो अगर पर्सनल डाटा है या प्राइवेट डाटा है तो वो ईज़िली जो है यहाँ से डाउनलोड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सारी इमेजेस वगैरह यहाँ पे ओपन हो रही हैं। 2017 के अंदर अगर हम जाएँ तो ये सारी इमेजेस यहाँ पे ऑलरेडी जो है यहाँ पे शो हो रही हैं, और यहाँ पे मैं डाउनलोड करूँगा तो ये डाउनलोड भी हो जाएगी ईज़िली, क्योंकि मैं राइट क्लिक करके इसको सेव कर लूँगा, ये डाउनलोड हो जाएगी। तो इससे कैसे जो है हम इसको जो है सिक्योर करें, तो सबसे पहले जो है मैं सी पैनल के अंदर जाना होगा। सी पैनल जो है मैंने ओपन किया हुआ है, मैं अपने रूट फोल्डर के अंदर चले जाऊंगा। यहाँ पे एक आपकी जो वर्डप्रेस का जो फोल्डर है उसके अंदर एक डॉट एच टी एक्सेस के नाम से जो है एक फ़ाइल होगी, इसको राइट क्लिक करके जो है एडिट करना है। एडिट करने के जब हम एडिट का जो एडिटर खुल जाएगा इसका फाइल का, इसके अंदर जो है इफ़ जहाँ पे लिखा हुआ है स्लैश इफ़ मॉड्यूल, इसके बाद हमें काम ये करना है कि यहाँ पे हमें लिखना है ऑप्शंस स्पेस डैश इंडेक्सेस, ये लिख के हमें जो है जस्ट सेव कर देना है। सेव चेंजेस करेंगे, मैं वापस जो है अपनी जो साइट थी मेरी वहाँ पे मैं आऊँगा, इसमें मैं एंटर करूँगा दोबारा। मैं दोबारा जो है अपलोड के फोल्डर में जाता हूँ, ज़रा दोबारा जाएंगे, देखिए ये जो है अब ओपन नहीं हो रहा। तो अपलोड जब ओपन नहीं हो रहा तो मुझे आगे का पता ही नहीं है कि आगे क्या फोल्डर है, क्या फाइल है, वो ऑलरेडी पहले से ओपन हुई हुई थी इसलिए जो है वो ओपन हो गई थी। तो जब मुझे पता ही नहीं होगा तो मैं इसको ओपन नहीं कर सकता आगे की फ़ाइल। तो इससे जो है हमारे डाटा भी सेफ हो जाएगा और कोई भी जो है हैकिंग भी नहीं कर सकता इसके थ्रू हमारे हमारी साइट में, या कोई भी जो है इसमें जो है हैकिंग की कोई भी चीज़ जो है इसको जो है यूज़ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे जो है मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।